सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। हुनरबाज सीजन 4 पावर्ड बाय स्किल इंडिया मिशन एंड प्रेजेंटेड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा, भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। कौशल भारत, कुशल भारत। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये हमारा मिशन स्टेटमेंट हो सकता है। जैसे कम जमीन कम समय ज्यादा उपज, वैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी किसान पेट भी भरे और किसान का जेब भी भरे। कोशिश हमारी, सफलता आपकी। बैंक ऑफ बड़ौदा। सोलह अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस है, तो इसमें हमने सोचा कि विश्व खाद्य दिवस के चलते जो खाद्य उत्पन्न करते हैं उन किसानों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो इसके चलते हमने 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक एक बड़ौदा किसान पखवाड़े का आयोजन किया है। तो लोन लेना तो सिर्फ एक पहलू है, हम चाहते हैं कि इस पखवाड़े के दौरान हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के संबंध में आए, हम उनके ज़रूरतों को जान पाए, उनको बैंक संबंधी उत्पादों के बारे में पता चले और कृषि संबंधी भी उनकी उनको जानकारी हम दे सके। किसान का सब कुछ उसके जमीन से होता है, उसके हाथों का हुनर जब जमीन की मिट्टी में घुल जाता है तो खेत के खेत लहलहा उठते हैं और फिर जमीन, अनाज, फल, सब्जियों के अलावा इन हुनरबाजों को घर, बंगला, गाड़ी भी दे देती है। लेकिन हुनर और तरक्की के बीच एक और अहम कड़ी होती है और वो कड़ी है कोशिश। कोशिश बैंक ऑफ बड़ौदा की, जिसने जालंधर में रहने वाले करम सिंह जी की ज़मीन से उगाई तरक्की, और इस तरक्की की कहानी आप तक ले आ रहे हैं हमारे टीम डायरेक्टर गिरिराज सिंह। देश में खुश सिर्फ कोई बड़ी कंपनी का मालिक या फिर हवाई जहाज उड़ाने वाला ही नहीं है, बल्कि एक किसान भी है। और इनकी खुशी का राज इनकी खुद की सफलता है, और इनकी सफलता का राज इनकी मेहनत, लगन और हुनर है। ऐसे ही एक सफल किसान है करम सिंह जी, जिनकी मेहनत, लगन और हुनर ने उन्हें सफलता के उस मुकाम तक पहुँचाया जहाँ देश का हर किसान और हर इंसान ख्वाब देखता है। आइए चलते हैं उनके गांव और मिलवाते हैं आपको उनसे। पंजाब के छोटे से गांव धरियाल में रहने वाले करम सिंह जी कभी एक छोटे से मकान में अपने माता पिता, तीन भाई और चार बहनों के साथ रहते थे। इतना बड़ा परिवार था तो सबकी पढ़ाई लिखाई और खर्चे बमुश्किल पूरे हो पाते थे, पर कैसे भी करके करम सिंह जी ने कॉलेज तक अपनी पढ़ाई पूरी कर ही ली और जब तलाश थी अच्छी सी नौकरी की। पढ़ाई खत्म करने के बाद कोई काम धंधे की तलाश में था, लेकिन काम ना मिलने की वजह से मैं फिर जर्मनी में गया। वहाँ मैंने काफ़ी स्ट्रगल करी, रेस्टोरेंट में काम करा, वहाँ की लैंग्वेज सीखी, 12-12, 15-15 घंटे बेटरी का काम किया। करते करते ऐसे फिर मैंने देखा कि वहाँ भी मैं पूरा कामयाब नहीं हो पा रहा, फिर कुछ घरेलू कारणों के कारण मैं फिर वापस जाया। अब आप सोच रहे होंगे करम सिंह जी अगर काम की तलाश में जर्मनी चले गए तो पैसे तो रहे होंगे उनके पास, लेकिन ऐसा नहीं है। करम सिंह जी अपने रिश्तेदारों की मदद से जर्मनी गए ताकि अपना करियर बना सकें, पर वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, उन्हें वहाँ भी कामयाबी नहीं मिली और वो वापस आ गए अपने देश, अपनी मिट्टी के पास। लेकिन फिर क्या हुआ, क्या किया उन्होंने?
घर वापस आके मैंने फिर कोई काम कार करने की ठानी, तो मैंने फिर खेती में किस्मत आजमानी शुरू करी। हमारे पुरखों की 4-5 एकड़ जमीन थी, 1-1.5 एकड़ मेरे हिस्से में आती थी। करम सिंह जी के हिस्से में जो जमीन आई उसमें हल चलाने का हुनर तो उनके पास था, पर कभी कभी हुनर को भी आगे पढ़ने के लिए किसी सहारे की जरूरत पड़ती है, और ऐसा ही सहारा ढूंढ रहे थे करम सिंह जी। एक रात को मैं अपने खेत में अकेला बैठा था, कुछ सोच रहा था। हाँ जी, आज हल्ता कहती है घर नहीं जाना? नहीं यार। क्यों, की गल हो गई? यार की दसा, सारी दिहाड़ी काम करते रही था अपने खेतों च, तो दूजे दिन खेतों च, पर जदों फसल बेची थी आ अगे वधन कुछ बचता ही नहीं। लै वीरे, फिर तो एक ही रस्ता है अगे वधन का। अच्छा, वो की? बैंक तो लोन लो तो अगे वधो। वो जिदी जमीन ही 1 एकड़ की आनू कि बैंक लोन देगी, कि बैंक उत्ते विश्वास करूगी? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा? हाँ हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा। वो तेरे हुनर, लगन ते मेहनत ते पूरा विश्वास करूंगी वीरे। उसी वक्त मेरे मन में विचार आया कि मैं सुबह जाके बड़ौदा बैंक में लोन के लिए अप्लाई करूं, तो मैंने सुबह उठा और मैं सीधा बैंक में गया, तो मुझे उन्होंने बहुत जल्दी लोन देने का वादा कर दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा जाना जाता है अपने रिलेशनशिप की वजह से। हम लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन हम रिलेशनशिप बिल्डिंग का बिजनेस करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम कस्टमर से अपना ऐसा एक संबंध बनाएं कि उसकी जो सब जरूरतें हैं उसको हम मीट करें। तो यही वजह है कि लोग हमसे दो दो तीन तीन पीढ़ी से जुड़े हुए हैं, और करम सिंह भी उसी का एक एग्जांपल है। बैंक ने शुरू में इनको 50,000 लोन दिया था एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। उसके बाद में फिर जैसे इनकम बढ़ी, फिर डेयरी लोन दिया कुछ 25,000 रुपये गाय भैंस खरीदने के लिए। फिर इसके बाद हमने 2 लाख का एग्रीकल्चर लोन करा, फिर इन्होंने 5 लाख की लिमिट बनाई, फिर इनकी ज़मीन 5 एकड़ के आसपास ही हो गई, फिर इनकी लिमिट बढ़ा के हम 15 लाख की कर दी। और अपने बहुत ही अच्छे कस्टमर से हमारे काफ़ी टाइम से हमारे पास जुड़े हैं, और नए कस्टमर को भी ये जोड़ते रहते हैं। वाह, क्या करम सिंह जी ने कभी सोचा होगा कि किसी के तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाना दोस्ती के हाथ मिलाने जैसा होगा? नहीं ना, लेकिन ऐसा हुआ, और तभी संभव हुई करम सिंह जी की तरक्की। बचपन से समाज सेवा में आगे रहने वाले करम सिंह जी आज राजनीति में भी एक खास जगह बना चुके हैं। उनकी मेहनत और हुनर का सफर आज उन्हें सफलता के शिखर तक ले आया है। आप भी अपने हुनर को परख लीजिए, पहले मेहनत कीजिए, फिर मदद के लिए बैंक की कुंडी खटखटाइए। यकीन मानिए, खुशियों के दरवाजे आपके लिए भी जरूर खुलेंगे, आपको भी तरक्की के रास्ते जरूर मिलेंगे। सच में, अगर एक काम जिम्मेदारी से निभाया जाए तो आगे चल के कई काम मिलते रहते हैं। करम सिंह जी के पास पहले 1 एकड़ जमीन थी, फिर 3 एकड़ हुई, और फिर 7 एकड़ तक पहुंच गए। पहले एक गरीब किसान से एक सफल मालिक बने, और फिर ब्लॉक के चेयरमैन। ये एक सफलता की कहानी है जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा की बड़ी भागीदारी है।